राजस्थान गौरव यात्रा बनेगी भाजपा की विजय यात्रा। इसके लिए भाजपा लगा रही है पूरा दम। जी हां, चुनावी राज्य राजस्थान में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की 40 दिन तक चलने वाली राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आज बातें भाजपा की इसी गौरव यात्रा पर है। चुनाव में जीत छोटी हो या फिर बड़ी, जीत तो जीत होती है। किसी भी दल के लिए लोकसभा चुनाव में जीत के भले ही बड़े मायने हो, पर विधानसभा चुनावों में भी जीत का उतना ही महत्व है। किसी भी राज्य में कब्जा होने पर केंद्र की राह थोड़ी आसान हो जाती है। भाजपा ने इसी को ध्यान में रखकर राजस्थान में गौरव यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में शुरू हुई 40 दिन राजस्थान गौरव यात्रा लगभग 6000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करते हुए राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 165 विधानसभा क्षेत्रों में होकर गुजरेगी और 30 सितंबर को पुष्कर में पूर्ण होगी। भाजपा की इस यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ कर आया। अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान गौरव यात्रा में उमड़े जनसैलाब से स्पष्ट है कि गौरव यात्रा भाजपा की विजय यात्रा में तब्दील हो गई है। वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांकरोली में इस यात्रा की पहली सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वह प्रदेश में हर 5 साल में दूसरी पार्टी की सरकार बनाने की परिपाटी को रोकें। वसुंधरा ने कहा कि इतिहास रचने में समय लगता है, यह आसानी से नहीं होता और ये तभी होगा जब हर 5 साल में सरकार बदलने को यहाँ जो परंपरा है उसे बदला जाएगा। इसे बदलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई पार्टी की सरकार आने पर पुरानी सरकार की सारी योजनाएं ठप हो जाती हैं। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ दशकों से प्रदेश में हर विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार आती रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में विकास की आंधी लाना चाहती है और उसे देश में सिरमौर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते 5 साल में जो विकास की नींव रखी है उस पर भव्य इमारत बनाना चाहती है और ये तभी संभव है जब राज्य में फिर से भाजपा सरकार आएगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव पूर्व जिस भी दल का सत्ता हासिल होगी वह केंद्र की कुर्सी के उतना ही नजदीक जाएगा। पर इतना तो तय है कि भाजपा की राजस्थान गौरव यात्रा से राज्य में भाजपा का जनाधार बढ़ेगा, जिसका लाभ पार्टी को न सिर्फ विधानसभा चुनाव में मिलेगा बल्कि लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियोज।